हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो देखी होगी, इलेक्ट्रिक फ्यूज स्टार्टर की वीडियो, तो आपने उस सब में देखा होगा कि मैंने कैसे अडेप्टर से जो 12 वोल्ट अडेप्टर होता है उससे या फिर बैटरी से बनाना सिखाया है कि आप कैसे बना सकते हो इलेक्ट्रिक फ्यूज स्टार्टर। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज स्टार्टर बना सकते हो घर पर ही, और उसे जब चाहे तब इस्तेमाल में ले सकते हो। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का आप गलत इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर देना, और चैनल में आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा तो उसको प्रेस करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आप फॉलो, मतलब मेरे चैनल को फॉलो आप जरूर कर लेना। तो मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इससे पहले वाली वीडियो को, तो वो भी आप इसके बाद जाकर देख लेना। तो चलिए वीडियो को अब बिना देर के आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार की पतली वायर ले लेनी है, लगभग 5 इंच लंबी वायर ले लेनी है। आप जितने फ्यूज बनाना चाहते हो उतने वायर ले लें, और सारे वायर को आपको दोनों तरफ से छील लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से सारा वायर को छील लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की बातें बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे वायर को अच्छी तरह से छील लिया। अब उसके बाद आपको नाइक्रोम की वायर ले लेनी है। अगर आपको नहीं पता नाइक्रोम वायर क्या होता है तो मेरी पहली वीडियो आप देख ले अधिक जानकारी के लिए, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो अब इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा काट कर। अपने जितने वायर काटे हैं फ्यूजेस के लिए, अब उतनी आपको इस तरह के छोटे वायर काट लेनी है। नाइक्रोम वायर को काटने के बाद आपको बड़ी वाली वायर ले लेनी है, और उसके दोनों सिरे पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है किसी भी एक साइड में आपको नाइक्रोम वायर दोनों जोड़ देनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। वायर जुड़ जाने के बाद जो बाकी बची हुई वायर है उसे हल्की हल्की आप इस तरह से काट दें। तो चलिए कुछ इसी प्रकार से मैं सारे वायर के साथ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे वायर को नाइक्रोम वायर से जोड़ दिया है। इसके बाद हमें मैच स्टिक की ज़रूरत होगी। जो मैच स्टिक के बारूद होते हैं उन्हें मैंने पहले ही निकाल लिया है। अब इनको बिल्कुल अच्छे से कूट लेना है, किसी भी चीज़ की मदद से पीस लें और बारीक पाउडर बना लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया है। अब आपको किसी भी बम या फुलझड़ी या किसी भी चीज़ का बारूद ले लेना है, ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, लेकिन इसे डालने से बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि उसके बारूद को आपको मैच स्टिक के पाउडर के साथ मिलाना है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जो मैच स्टिक का पाउडर है उससे 30% ही आपका बारूद होना चाहिए, यानी कि आपको 70 और 30 का रेशियो बनाना है, जिसमें कि 70 आपका मैच स्टिक पाउडर होगा और 30 बारूद होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने से फिर ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अब उसके बाद दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपको उसमें 2-4 बूंद पानी डालना है और उसकी पतली पेस्ट बना लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी मुश्किल होगी इसकी पेस्ट बनाने में, क्योंकि जो बारूद होता है वो पानी में फ्लोट करने लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे करते करते वो बन जाएगी। तो चलिए मैं जल्दी से इसे बना लेता हूँ। जैसे ही आपका पेस्ट बनकर रेडी हो जाए तो आपको वायर लेनी है, और वायर के जिस तरफ आपने नाइक्रोम वायर जोड़ा है उस तरफ आपको ये बारूद को लगा लेनी है। साथ ही साथ आपको इसमें पेपर भी फोल्ड करते जाना है, आपको बिल्कुल पतली पेपर लेना है। तो यहाँ पर फोल्ड करने के लिए मैं मैच स्टिक के जो कागज़ होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको कैंची की मदद से बिल्कुल पतली स्ट्रिप बना लूँगा और छोटे छोटे पीसेस बना लूँगा। तो आप भी कुछ इस प्रकार से बना लें। पेपर की पतली पीसेस बना लेने के बाद आपको पेपर के ऊपर इस तरह से वायर को रखना है, और वायर में आपको हल्की और बारूद देनी है ताकि इसमें और बेटर रिजल्ट मिल सके। और बारूद देने के बाद पेपर को अच्छी तरह से आप फोल्ड कर दें, या आप चाहें तो गम की मदद से पेपर को अच्छी तरह से चिपका भी सकते हैं।
तो वायर को पेपर में फोल्ड करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरह से इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेना है, बिल्कुल अच्छे तरह से आपको सुखा लेना। तो चलिए मैं सारे वायर के साथ पेपर फोल्ड करके धूप में सुखा लेता हूँ। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि मेरे जो सारे वायर हैं वो अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तब चलिए कोई सा भी एक वायर लेते हैं और उसको आपको चेक करके बताते हैं कि वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट का अडेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड इसीलिए आपको लाया है एक्सटेंशन बोर्ड सामने में, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने सच्ची वीडियो बनाई है, ना कि कोई फेक वीडियो है। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को अडेप्टर के साथ जोड़ देते हैं। आप चाहे तो 12 वोल्ट की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसे जोड़ लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से वायर को कनेक्ट कर दिया है। आप देखिएगा कि जैसे ही मैं स्विच दूंगा तो क्या मैजिक होता है। तो देखा आपने, है ना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।